start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics assalamu alaikum hope you all are fine and doing good इट्स मी महानूर आई वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स ऑफ द यूनिवर्स डेयर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर टू वैक्टर्स एंड इक्विलीवियम को हम स्टडी हैं, जिसमें आज हमारा लेक्चर टेन होगा और टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा एडिशन ऑफ वैक्टर्स बाई रेक्टेंगुलर कम्पोनेट्स तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को विद डेफिनेशन द एनाटिकल मैथड फॉर एडिशन ऑफ वैक्टर्स इस कॉल एडिशन ऑफ वैक्टर्स बाई रेक्टेंगुलर कम्पोनेंट्स सो so, एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और वो मेथड हमारे पास एनालिटिकल मेथड हो तो उस मेथड को हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मींस वेक्टर के एडिशन का एक ऐसा एनालिटिकल मेथड जिसके थ्रू हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं वो मेथड हमारे पास होता है एडिशन ऑफ वैक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अब एनालिटिकल मैथड ही क्यों क्योंकि ये मैथड जो है वो हमारे पास जो है मोर uh, मैथमेटिकल होता है मैथमेटिकल है इसलिए मोर प्रिसाइज और एक्यूरेट हमें देता है ठीक है रिजल्ट हमें बहुत एक्यूरेट एंड प्रिसाइज़ मिलता है और एनालिटिकल का मतलब ही होता है जब हम चीज़ों को डीपली एग्जामिन कर रहे होते हैं चीज़ों को डीपली स्टडी कर रहे होते हैं डिटेल के साथ उनको डिस्कस कर रहे होते हैं तब ही हम वर्ड एनालिटिकल का यूज़ करते हैं तो ये एक ऐसा मैथड है जिसके थ्रू हम वैक्टर्स को ऐड करते हैं और एनालिटिकल मैथड है डैट इज़ वाई वी कॉल इट एड प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेथड और ये सारा मेथड जो है हमारे पास कहलाता है एडिशन ऑफ वैक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होपफुल ये क्लियर हो गया होगा अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ ये तो था इंट्रो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेनेशन में है हमारे पास कि कंसिडर टू वैक्टर्स ए एंड बी हमने दो वैक्टर्स को कंसिडर करना है पहला वैक्टर हमारे पास है ए एंड सेकेंड वैक्टर है बी अब हमने क्या करना है वैक्टर ए मेक्स एन एंगल थीटा ए वैक्टर ए जो है वो एक एंगल बनाएगा थीटा ए जबकि वेक्टर वाइल वेक्टर बी मेक्स एन एंगल थीटा बी और वेक्टर बी जो है वो एक एंगल बनाएगा थीटा बी दीज टू वैक्टर्स आर एडिड बाई हेड टू टेल रूल टू गेट आर रिजल्टेंट वैक्टर आर ए शोन इन फिगर ठीक है इन दोनों वैक्टर्स को मैंने आम, जो है वो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड करना है जब मैं दो वैक्टर्स को ऐड करूँगी तो मुझे प्रोडक्ट में एक तीसरा वैक्टर मिलेगा जिसको मैं एक नाम दूँगी रिजल्टेंट वैक्टर और उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से जो कि मैं आपको अब फिगर में शो करवाऊँगी और जो रिज़ल्टेंट वैक्टर होगा जाहिर है मैंने कहा इन दो वैक्टर्स को ऐड करूँगी ना तो ए प्लस बी को ऐड किया तभी तो मुझे रिज़ल्टेंट वैक्टर मिला तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जो है वो फिगर के थ्रू जो है इसको समझेंगे अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स ये वो फिगर है आपका फाइनल फिगर है ठीक है जो आपको एग्ज़ाम में बना के आना है और इस फिगर को समझाने के लिए मैंने आप आपके लिए जो है वो आपकी आसानी के लिए ये छोटे सब फिगर्स ड्रा किए हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए ठीक है तो अब तो फिलहाल आपने ये फिगर नहीं देखना ठीक है ये मैं आपको एंड में बताऊंगी अब आपने ये फिगर देखना है ये जो फिगर ए बना हुआ है फिगर ए में मैंने क्या शो किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वैक्टर ए मैंने आपको कहा है कि हमने दो वेक्टर्स कंसीडर किए फर्स्ट वेक्टर ए था ठीक है तो वेक्टर ए ये है उसकी डायरेक्शन ये है अब मैंने इसको इसके कंपोनेंट्स में इस रिजॉल्व करना है तो क्या करना है ये जो ए वेक्टर है इसकी टेल से मैंने स्टार्ट करना है ठीक है और ए एक्स कंपोनेंट ड्रा करना है और यहाँ मैंने बना देना है इसका हेड अब हेड टू तो टेल रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले का जो हेड है वो लास्ट वाले की टेल से यहाँ से फिर आपकी टेल से स्टार्ट होगा जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए वाई जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो इस वाले की इसके इसकी जो है वो टेल से स्टार्ट होगा ठीक है यहाँ की मतलब ये जो था एक्स का हेड यहाँ से इसकी टेल स्टार्ट होगी वर्टिकल कंपोनेंट की अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल तो यहाँ से क्या करना है हमने इसके इसका वर्टिकल कंपोनेंट ड्रा करना है और फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ इसको ज्वाइन कर लेना है ठीक हो गया ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट था ठीक है किसी हर रेक्टेंगुलर वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई था और ये पूरा फिगर आपको बता रहा है वेक्टर ए और उसके कंपोनेंट्स के बारे में फिगर बी की तरफ आ जाते हैं ये हमारा वैक्टर बी है हमने सपोज किया है और ये फर्स्ट वैक्टर की टेल से हमने स्टार्ट लिया ठीक है और हमने यहाँ पर बी एक्स कंपोनेंट इसका ड्रा किया जो कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसके बाद इस बी एक्स के हेड से हमने स्टार्ट लेना है यानी टेल से फिर स्टार्ट लेंगे तो क्या करेंगे इस फर्स्ट वेक्टर के हेड से इसको ज्वाइन कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बी वाई कंपोनेंट भी मिल जाएगा और बी एक्स कंपोनेंट भी मिल जाएगा तो फिगर बी क्या शो कर रहा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अब तो ये था सिंपल सिंपल uh, दो वेक्टर्स और उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को अब हमने इनको क्या किया था थर्ड स्टेप में मैंने कहा था इन दो वेक्टर्स को मैं ऐड करूंगी बाय हेड टू टेल रूल आप जाके पीछे देख भी सकते हैं ठीक है मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया तो अब क्या करना है वेक्टर ए ये पूरा वेक्टर ए समझ आ रही है स्टूडेंट्स ये पूरा वैक्टर ए ठीक है ये पूरा वेक्टर ए जो है आपने ये ग्रीन कलर का जो मैंने बनाया ये आपने उठा के यहाँ प्लेस कर देना है ठीक है सेम डायरेक्शन ए की वही है ए एक्स की ये डायरेक्शन है हेड फिर यहाँ से टेल से स्टार्ट होता है ठीक है इसका वर्टिकल कंपोनेंट बिल्कुल उठा के यहाँ रख देना है उसके बाद जो फिगर बी था मैंने रेड से बनाया तो पूरा जो फिगर बी है आपका वो आपने यहाँ वेक्टर बी को यहाँ प्लेस करना है यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस करना है बीच में एक बाउंड्री सी आपने एक सरफेस से बनानी है ताकि ये दोनों सेपरेट हो सके एक दूसरे से ठीक है तो ये हमारे पास क्या है ये सरफेस बना के मैंने वेक्टर बी को ड्रा किया अब मैंने कहा था जब मैंने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना तो मुझे प्रोडक्ट में एक तीसरा वेक्टर मिलेगा जो कि रिजल्टेंट वेक्टर होगा तो मैंने क्या किया फर्स्ट वाले की टेल से लास्ट वाले को हेड को ज्वाइन कर लिया सो वी गेट आवर रिज़ल्टेंट फैक्टर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर जो कि मैंने ब्लू मार्कर से जो है यहाँ पे ड्रा किया अच्छा ये फाइनल फिगर है एडिंग जिस तरह मैंने मेंशन भी किया हुआ है इस फिगर के बारे में कि एडिंग वैक्टर ए एंड बी मैंने वैक्टर ए एंड बी को एड किया तो उससे मुझे मिल गया रिजल्टेंट फैक्टर रिजल्टेंट फैक्टर आर ठीक है यहाँ पर ये भी आर भी लिख लें ठीक है ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये तीन फिगर्स थे जो आपने अब तक समझे पहले मैं ए बनाया वेक्टर ए को ड्रा किया उसके कंपोनेंट्स को बता दिया मैंने ठीक है फिगर बी में मैंने वेक्टर बी को बताया उसके कंपोनेंट्स को थर्ड में मैंने उनकी एडिशन को बता दिया अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिम्प्लीफिकेशन करना ये फिगर लेके चलेंगे आप ठीक है इस फिगर को देखें उसी तरह कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया वेक्टर ए बनाया ठीक है वेक्टर बी बना है रिजल्टेंट उसी तरह बनाया अब देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना है थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पर हमारे पास जो रिज़ल्टेंट आया है ना वो हमने ए बी का नहीं लेना बल्कि ए के जो कंपोनेंट्स हैं एक्स ए वाई बी एक्स एंड बी वाई इनके कंपोनेंट्स का हमने रिजल्टेंट वेक्टर लेना है समझ आ रही है आपको अब देखें रिजल्टेंट वेक्टर ये है ना मैंने इस रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो मैंने ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई के कंपोनेंट्स का लेना है ठीक है यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है नाउ इन दिस केस वी टेक रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी ठीक है जो कि क्या है ए एक्स है एंड बी एक्स है ए वाई एंड बी वाई है रिजल्टेंट मैंने ए बी का नहीं लेना बल्कि ए बी के कंपोनेंट्स का लेना है तो क्या करेंगे वेक्टर ए ग्रीन को उठा के यहाँ पुट कर दिया बिल्कुल इसी तरह ए एक्स लिखा ए एक्स लिख लिया ठीक है उसके बाद क्या किया ए वाई है यहाँ पर ए वाई लिख लिया अब कुछ भी नहीं करना बी वैक्टर भी उसी तरह बनाना है रिजल्टेंट ब्लू भी उसी तरह बनाना है यहाँ पे क्या किया इस लाइन को थोड़ा सा मैं नीचे एक्सटेंड करके लिए ये इस तरह ये देखिए। ठीक है क्या किया उसी तरह इस यहाँ से फर्स्ट वाले की जो यहाँ से लाइन आपने एक डॉटेड लाइन बना दी ठीक है क्या किया यहाँ पे आपने बी एक्स लिख लिया ये बी एक्स ऊपर था ना यहाँ पे था ठीक है तो मैंने इसको अगर नीचे लिख लिया तो गलत तो नहीं है ना बिल्कुल ठीक है बी एक्स है ठीक है और यहाँ से मैंने इसको फिर इस वाले के हेड से मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया टेल से स्टार्ट लिया और इधर इसको आके मैच कर दिया तो बी एक्स सिर्फ एक्सटेंड किया देखिए मैंने यहाँ पे लिया एक्सटेंड बी वाई एंड बी एक्स बी एक्स जो ऊपर बना था उसको मैं नीचे ले आई बी वाई जो ऊपर बना था उसको डॉटेड लाइन लगा के नीचे ले आई देखिए मैंने दोनों डॉटेड लाइन लगाई अब आप जरा देखिए गौर से ये पेंसिल से थोड़ा सा हो गया लेकिन ये डॉटेड लाइन है ये भी डॉटेड लाइन है ठीक है तो मैंने क्या किया एक्सटेंड बी वाई एंड बी एक्स ये जो था बी एक्स ठीक है इसको मैं यहाँ इस तरह ले आई ठीक है और ये जो बी वाई था इसको मैं इस तरह ले आई ठीक है यहाँ पे एरो आपने सही बनाने है टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अच्छा क्या हो गया बस ये आपका फाइनल फिगर हो गया मैंने क्या लिखा एक्सटेंड बी वाई एंड बी एक्स सारा वही फिगर है सिर्फ एक लाइन यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई है बी वाई की इंक्रीमेंट हुआ है और यहाँ पर ए वैक्स की ए बी एक्स की तो बस ये इस फिगर में था ठीक है और अब हमारे पास यहाँ पे देखें ए एक्स आ गया और यहाँ तक एक लाइन है ना अब ये यहाँ पर आपने एक रिज़ल्टेंट ड्रा करना है ए एक्स और बी एक्स का रिजल्टेंट क्या है आर एक्स है यानी आर एक्स यहाँ पर आ गया ठीक है ये दोनों कंपोनेंट्स एक्स एक्स है ना तो ए एक्स और बी एक्स को पुट एड करती हूँ तो क्या मिलता है मुझे आर मिलता है ए और बी को ऐड करती हूँ तो रिजल्टेंट आर मिलता है ना लेकिन दोनों के साथ एक्स एक्स लगा तो यहाँ एक्स लगा दें बस यहाँ पर क्या है यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर एक बी वाई है यहाँ पर देखिये ये बी वाई है फिर एक सरफेस बनी है फिर बी वाई है ठीक है तो आपने क्या करना है यहाँ पर दो वाक्ट बी वाई है और ये भी बी वाई है इन दोनों को मैंने ऐड किया है सॉरी तो ये ए, वा, ए वाई है और बी वाई है ठीक है ये ये ए वाई था ठीक है ये आप ठीक कर लें ये ए वाई है और बी वाई है ठीक है तो ये देखें यहाँ तक ये वाला कंपोनेंट ए वाई था ये वी वाई है तो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं यानी ए और बी को मैं ऐड करती हूँ तो रिजल्टेंट आर मिलता है ना लेकिन दोनों के साथ वाई वाई लगा क्योंकि वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन तो हमारे पास हॉवर्टिकल वर्टिकल कम्... वर्टिकल कंपोनेंट को शो करती है ना ठीक है और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास किस को शो करती है ये वाली लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को शो करती है और वर्टिकल के लिए वाई लगेगा हॉरिजॉन्टल के लिए आपके पास एक्स लगेगा ठीक है तो ये वर्टिकल के लिए वाई तो रिजल्टेंट आर वाई आएगा ठीक है तो मैंने क्या किया इन दिस केस वी टेक रिजल्टेंट आर फ्रॉम द कंपोनेंट ए एंड बी हमने रिजल्टेंट किससे लेना है ए बी से नहीं लेना बल्कि ए बी के कंपोनेंट से लेना है तो ए बी का कंपोनेंट्स क्या है ए एक्स ए एक्स तो आर एक्स आ ए एक्स बी एक्स और आर एक्स आ गया फिर ए वाई बी वाई तो आर वाई आ गया तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अब एक फ्रॉम द कंपोनेंट ए एंड बी डैट इज़ ए एक्स था बी एक्स था इन दोनों से हमें रिजल्टेंट पर आर ही मिलेगा दोनों के साथ एक्स लगा है तो एक्स लगा दें दोनों के साथ वाई लगा है ए वाई बी वाई तो आर वाई क्लियर हो गया स्टूडेंट्स बस यही था इसके अंदर अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल फिगर की तरफ ठीक है वैक्टर ए बनाया ये देखें वेक्टर ए थोड़ा सा मैं ऊंचा कर लेती हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए ये देखें ये आपका वेक्टर ए है बिल्कुल यही फिगर आपने उठा के बनाना ठीक है।, है वेक्टर ए ठीक है उसके बाद आपने यहाँ से फिर वेक्टर बी लेना है वेक्टर बी आपने यहाँ पे बना दिया ठीक हो गया फिर आपका ये जो रिजल्टेंट है ये जो ब्लू कलर का है ये उठाया यहाँ बना दिया ठीक है उसके बाद वेक्टर्स की डायरेक्शन शो करें और कंपोनेंट्स को बताएं ठीक है ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ये सारा आपने यहाँ पे ड्रा करना है आर वाई ये देखें आपका वैक्टर ए था उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था ये देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करके बता देती हूँ ये देखिए आपने यहाँ से देखना है ये आपका ए कम वैक्टर था फिर आपने ये ज़रा देखें यह आपका बी वैक्टर था उसके कंपोनेंट्स बी एक्स थे बी वाई थे फिर मैंने क्या किया लास्ट में बस ये रिजल्टेंट आ गया मैंने लास्ट में क्या किया इस बी एक्स को मैंने यहाँ बना दिया ठीक है और ये जो ए वाई था ठीक है इसको मैंने इस तरह बना दिया मतलब इस बी एक्स को मैंने इसके यहाँ भी ड्रा कर लिया और इसके पैरल ए वर्टिकल कंपोनेंट भी ड्रा कर लिया तो यहाँ से मुझे रिजल्टेंट क्या मिला है देखें दो लाइंस बनी है ना अब यहाँ पर ये यह एक्स है और ये बी एक्स है तो ये यहाँ पे ए एक्स आया यहाँ बी एक्स आया तो रिजल्टेंट क्या आएगा आर एक्स आएगा अब यहाँ पर देखें ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वाई है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बी वाई है तो ये दोनों रिजल्टेंट में क्या आएगा आर वाई आएगा ठीक है मतलब इन दोनों को ऐड किया तो रिजल्टेंट आया दोनों के साथ कम कौन सा वो लगा है भाई लगा है तो हमारे पास हमारे पास आ जाएगा आर वाई तो ये हमारे पास है इसका फाइनल फिगर ये आप देख रहे हैं ठीक हो गया स्टूडेंट्स बस कोई भी नहीं था यहाँ तक था इस फिगर तक था कि आपको सारा समझ आ गया ठीक है लेकिन इस फिगर के बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन एक्सटेंड कर दी ए एक्स ये जो बी एक्स था मैंने इसको नीचे उतार लिया ठीक है ऊपर भी है और नीचे भी कर लिया ये जो ए वाई था मैंने इधर भी ड्रॉ कर लिया ठीक है और बस फिर आपके पास ये फाइनल फिगर बन गया कोई ट्रिक नहीं है बस जस्ट यहाँ पर यह है कि ए एक्स है और बी एक्स है ठीक है तो क्या होगा अच्छा ये आपने बनाना है रेड सीट ठीक है थोड़ा सा अलग अलग बना लें ताकि ईजी हो जाए अब यहाँ पर एक हेड लगा हुआ है ना ये एक पूरा है ठीक है तो ये ए एक्स है और ये जो शो कर रहा है ये बी एक्स को शो कर रहा है ये ए वाई को पूरा शो कर रहा है और ये बी वाई को शो कर रहा है तो ये इस तरह हमने आर एक्स और आर वाई को जो है वो बता दिया अब हम आते हैं अपने मैथमेटिकल स्टेप्स की तरफ अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने निकालना है आर एक्स ठीक है ये निकालना है मैं अब आपको बताती हूँ ये देखें ये हमारा फिगर था ना इसमें ये आर एक्स हमने निकालना है तो रिजल्टेंट किस के इक्वल आएगा आर एक्स और आर वाई के इक्वल है क्योंकि मैंने कहा था हमें रिजल्टेंट कंपोनेंट्स में चाहिए ए एक्स और बी एक्स के कंपोनेंट से हमें आर एक्स मिला और फिर बी वाई और ए वाई के कम्पोनेंट से आर वाई तो रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा अब हमने रिजल्टेंट uh, इक्वल आएगा आर एक्स प्लस आर वाई के अब हमने आर एक्स है तो आर एक्स इक्वल था एक्स बी एक्स के इक्वल था तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम फ्रॉम आर एक्स फॉर आर एक्स हमने फाइंड करना है फ्रॉम फिगर फिगर के थ्रू हमने देखा जो आर एक्स था वो किसके इक्वल था ए एक्स के और बी एक्स के ठीक है इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर वी कैन राइट अबव इक्वेशन एज ठीक है हमने अबव इक्वेशन को कैसे लिखना है एक्स के एक्स uh, एक्सिस के अलांग जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है ठीक है तो हमने क्या करना है आर एक्स आई लगाना है आई कैप ये यूनिट वेक्टर है ए एक्स आई कैप ठीक है बी एक्स आई कैप ठीक हो गया स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं इधर फॉर मैग्नीचूड वी कैन राइट अबव अब हमने इसका मैग्नीच्यूट निकालना है ठीक है तो मैग्नीच्यूट के लिए हम क्या करेंगे हमने इन दोनों को ऐड किया तभी तो हमें आर एक्स मिला ना तो हमने क्या करना है फॉर मैग्नीच्यूट वी कैन राइट अबव इक्वेशन हैज आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स मैग्नीच्यूट को हम मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है थीके? ये आपका मॉडोल एस का जो साइन होता है ब्रैकेट नहीं लगानी ये मैंने जस्ट समझने के लिए मॉड लगाए अब हमने आर वाई भी उसी तरह फाइंड करना है अब जरा मैं आपको दोबारा फिगर दिखाती हूँ ये आर वाई किसके इक्वल था आर वाई किसके इक्वल था ए, ए वाई के बी वाई के देखे ना ये बीच में बाउंड्री जो बता रही है ना कि इन दोनों को अलग कर रही है इसका ए वाई कम्पोनेंट है ये बी वाई कम्पोनेंट है ठीक है अब देखिए ना ये दोनों जो है वो एक दूसरे से अलग है इसीलिए तो ये ए एक्स है ये बी एक्स है ये ए वाई है बी वाई तो ए वाई बी वाई किस इक्वल है आर वाई के तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर वाई आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई इन टर्म्स ऑफ यूनिट फैक्टर वी कैन राइट अबव इक्वेशन एज वाई एक्सेस के अलॉन्ग जो हमारे पास uh, हमारे पास यूनिट फैक्टर होता है वो जे होता है तो डैट इज सो वी कैन राइट आर वाई और जे यूनिट वैक्टर फिर ए वाई जे यूनिट वैक्टर जे क्यू बिकॉज अलॉन्ग वाई एक्सेस वी हैव ए यूनिट वैक्टर जे ठीक है सो बी वाई यहाँ से आ जाएगा जी अब हमने मैग्नीट्यूड इन दोनों का निकालना है तो फॉर मैग्नीट्यूड वी कैन राइट अबव इक्वेशन एज़ आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई मैग्नीच्यूट में ये आपने यूनिट वेक्टर्स नहीं ऐड करने ठीक है ये ए वाई एंड बी वाई मॉड में आएगा अच्छा अब हम आ जाते हैं अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हमारे कंपोनेंट्स थे अब हम इनकी तरफ आते हैं अब हमें पता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है जो आपने कंपोनेंट्स निकाले हैं जो कि आपने वेक्टर को स्प्लिट किया कैसे आपने इसमें स्प्लिट किया अब आप बता सकते हैं मुझे कि आपने कैसे स्प्लिट किया बिल्कुल आप बता सकते हैं क्योंकि आपने समझा हुआ है देखें ये जो वेक्टर ए था मैंने इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया ना तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ए एक्स ए वाई क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर पेंडिकुलर है पर मीन्स दे आर दे आर मेकिंग नाइन्टी डिग्री विद ईच अदर ठीक है इट मेक्स एन एंगल ऑफ नाइन्टी डिग्री विद ईच अदर अब ए एक्स ए वाई इसी तरह ए वाई बी एक्स नाइन्टी डिग्री ठीक है फिर ये हमारे पास क्या बना रहे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ये एक एंगल बना रहे हैं तो ये हमारे पास एंगल क्या बना रहे हैं नाइन्टी डिग्री का तो जो कंपोनेंट्स इन विच अवैक्टर आर इस वैक्टर इज स्प्लिट वो जो कंपोनेंट्स थे जो कंपोनेंट्स में हमने वैक्टर को स्प्लिट किया एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं ना मैंने अभी आपको बताया तो यही कंपोनेंट्स हमारे पास किसके इक्वल होते हैं यही कंपोनेंट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं किसके वैक्टर के तो देखें रेक्टेंगुलर कम्पोनेट्स रिजल्टेंट से हम अब दिखें रिजल्टेंट अब हमने कैसे लिखना है रिजल्टेंट मैंने आपको कहा था किसके इक्वल आएगा रिजल्टेंट हमने किस कब मतलब किस में लेना है कंपोनेंट्स में लेना है एक्स एक्स ए और बी के कंपोनेंट्स तो रिजल्टेंट इज़ इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जी ठीक है अब यहाँ पे क्या करना है आर एक्स की वैल्यू पुट करें आर वाई की वैल्यू पुट करें आर एक्स की वैल्यू भी आपके पास आ गई है ठीक है आर एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है ए एक्स प्लस बी एक्स यहाँ पुट कर दें आर एक्स और एक्स बी एक्स और ब्रैकेट के बाहर यूनिट वेक्टर आर आई आर वाई के क्या कंपोनेंट्स थे आपके पास ये थे आपके ए वाई बी वाई ठीक है ए वाई वी वाई आ जाएंगे अब हमने बिल्कुल इसका मैगनीचूट लेना है मैगनीच्यूट के लिए आपको पता है फेटोग्रस थ्योरम हमने मैंने साइड में मेंशन किया जो कि इक्वल होता है हाई के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब आपने यहाँ से हाई का स्क्वेयर हटा देंगे तो इसके ऊपर मैगनीच्यूट आ जाएगा तो मैगनीचूट ऑफ आर इज इक्वल टू आर एक्स मॉड ऑफ़ आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई यूनिट वैक्टर मैंशन नहीं करते और सात स्क्वेयर लगेगा यहाँ मैं आपको लिख के बता देती हूँ ये देखिए डियर स्टूडेंट्स मैंने फथोग्रस थ्योरम लिख लिया ठीक है फितोग्रस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास आर है ठीक है ये ये हाइपोटेन्यूज है आपका ये आपका हाइपोटेन्यूज है ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है ठीक है तो आर का स्क्वायर प्लस आर एक्स का स्क्वायर आर वाई का क्योंकि हमें जस्ट हाई पॉटीन्यूस आर चाहिए ना आर के ऊपर स्क्वायर है आर तो हमने क्या किया यहाँ पर अंडर रूट ले लिया ठीक है वो ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे मॉड आ जाएगा फिर जस्ट आर रह जाएगा लेकिन हम कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड का सैम्बल मॉड है तो मॉड के अंदर आर आ जाएगा और यहाँ के इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये अंडर रूट आ जाएगा ठीक है अंडर रूट आर एक्स का स्क्र क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी तो स्क्वायर था ना इसको ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पर अंडर रूट लिया था ठीक है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा ठीक हो गया तो ये जो आर इज़ इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर ठीक हो गया तो ये आपके पास आ जाएगा अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखते हैं अब जो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर मैंने वैल्यू प्रीवियस सेक्शन के अंदर मैंने जो वैल्यू निकाली थी आम, ये वाली आपके पास वैल्यू थी कि मॉड ऑफ आर इज़ टू ये आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर ये थी तो आपने आर एक्स और आर वाई की वैल्यू पुट करी तो आर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी ए वाई बी वाई ठीक है और आपके पास ये जो आर एक्स की वैल्यू थी ए एक्स प्लस बी एक्स और इनके ऊपर स्क्वायर है ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा प्लस बीच में प्लस था प्लस आ जाएगा आर वाई की क्या वैल्यू है ए वाई बी वाई और इनके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा अब हमने सिंपल ये हमारे पास आ गया इसका मैग्नीट्यूड आ गया ठीक है अब हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है अब आपको पता है डायरेक्शन के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हमने एक ट्रिक लिखी थी जो थी टू पोस्ट ब्यूटी ऐसा ही था टू पोस्ट ब्यूटी तो मैंने कहा था फर्स्ट वाले के बाद इक्वल एंड सेकेंड वाले के बाद डिवाइड का साइन तो टी का जो है वो टू का टेन थीटा पोस्ट का पी परपेंडिकुलर और ब्यूटी का बी बेस के लिए तो यहाँ से आ जाएगा टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस तो अब हमने जस्ट थीटा हमें डायरेक्शन बताता है लेकिन इसके साथ टेंजेंट है तो टेंजेंट को हमने शिफ्ट कर लेना है थीटा को अकेला रहने देना है तो थीटा इधर ही आएगा टेंजेंट जब शिफ्ट होगा तो ये इनवर्स में आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास ए वाई था आर वाई था ये देखिए ये परपेंडिकुलर है ठीक है ये आपके पास क्या है परपेंडिकुलर ये आपके पास क्या है बेस यह आपके पास क्या है हाई ठीक हो गया तो परपेंडिकुलर आर वाई है बेस आर एक्स है ठीक है तो परपेंडिकुलर क्या है आर वाई बेस आर एक्स तो बस अब आपने आर वाई और आर एक्स की वैल्यू पुट करनी है और आर वाई और आर एक्स की, की, की वैल्यू क्या थी एम आर वाई की वैल्यू थी ए वाई बी वाई और आर एक्स की वैल्यू क्या थी ए एक्स बी एक्स ठीक है अगर आपने जर्नल करना हो फॉर नंबर ऑफ वैक्टर्स तो रिजल्टेंट क्या आएगा ए एक्स की वैल्यू क्या थी ए एक्स बी एक्स सी एक्स नंबर ऑफ वैक्टर्स और यूनिट फैक्टर आई फिर ए वाई बी वाई सी वाई और यूनिट वैक्टर चाहिए ठीक है इसी तरह मैग्नीट्यूड के लिए अगर आपने करना हो तो मैग्नीट्यूड मॉड में आ जाएगा इसी तरह ए एक्स के जितने कंपोनेंट्स हैं जितने वैक्टर्स भी हों एक्स है बी एक्स है सी एक्स अपू सो ऑन स्क्वायर प्लस बी वाई ए वाई बी वाई सी वाई अप टू सो ऑन सी स्क्वायर और डायरेक्शन के लिए आपने यही लेना है ठीक है ये आपको मैंने मैग्नीट्यूड के लिए ये यूज़ किया ठीक है और इसके आगे डॉटेड आ जाएगा इसलिए क्योंकि हम जर्नल की बात कर रहे हैं ठीक हो गया और उसके बाद ये डायरेक्शन के लिए मैंने ये यही जो आपने अभी यूज़ किया ए वाई बी वाई क्योंकि आप फॉर नंबर ऑफ़ एक्टर्स कर रहे हैं तो फिर डॉटेड लाइंस आके आ जाएंगी ठीक है सो इट्स ऑल अबाउट टू लेक्चर और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ ये मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया ठीक है ये रिजल्टेंट के लिए ये फॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स जब आप ऐड कर रहे होते हो तो आपके पास आ, आ, आई जी आता है ठीक है ये रिजल्टेंट ये देखिए ये रिजल्टेंट ए एक्स बी एक्स सी एक्स अप टू सो ऑन आई और फिर जे ठीक हो गया तो ये था ये वाला ठीक है और रिजल्टेंट के लिए फिर मैंने मैग्नीट्यूड के लिए मैंने ये लिया नॉट रिजल्टेंट सॉरी इट्स अ मैग्नीट्यूड तो ये मैग्नीट्यूड के लिए जनरल फॉर्म में इसी तरह आ गया और डायरेक्शन के लिए ये ठीक हो गया सो इट्स ऑल अबाउट टू लेक्चर जिसमें आज हमने पढ़ा कि एडिशन ऑफ फैक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होता क्या है उसके फिगर को डिटेल के साथ देखा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें हम डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल को स्टडी करेंगे टिल देन अल्लाह हाफिज़